गत दिनों शिमला में एक छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर हमीरपुर में भी मामला गरमा गया है। जिला कांग्रेस ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाई। कांग्रेस ने सरकार द्वारा मामले पर गंभीरता से कार्रवाई न करने पर जोरदार नारेबाजी की। बाद में कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सरकार के उदासीन रवैये का विरोध जताया है। गत दिनों शिमला में एक छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर हमीरपुर में भी मामला गरमा गया है। जिला कांग्रेस ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस ने सरकार द्वारा मामले पर गंभीरता से कार्रवाई न करने पर जोरदार नारेबाजी की। बाद में कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सरकार के उदासीन रवैये का विरोध जताया। इस ज्ञापन में राज्यपाल से मांग की गई कि दोषियों को तुरंत पकड़ने के लिए कार्रवाई करने तथा प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अगुवाई में सौंपे गए इस ज्ञापन में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गत एक वर्ष में 19,500 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। प्रेम कौशल ने बताया कि 350 के करीब बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं और 1,500 के करीब मादक पदार्थों के मामले दर्ज हुए हैं। आपको पता है कि पिछले कल शिमला में एक नाबालिग के साथ गाड़ी में गैंग रेप हुआ है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय के ऊपर ये प्रोटेस्ट रखा है और जिलाध्यक्ष के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति को कांग्रेस पार्टी का ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिक्र है। और जो ये घटनाक्रम हुआ है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर, पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। पिछले एक वर्ष में 2018 में जो सरकारी आंकड़े हैं, लगभग 19,500 आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं। 350 बलात्कार के केसेस के मामले जो हैं वो पुलिस में दर्ज हुए हैं और 1,500 के करीब जो मादक पदार्थ अधिनियम के तहत जो है वो केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो चाहे नशे की बात है, चाहे बलात्कारों की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, चाहे ये चिट्टे का प्रचलन जो है आज जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, सरकार पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था की का मोर्चा है उसके ऊपर विफल रही है। उसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो है, विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय। वहीं प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसी वजह से प्रदेश में इस तरह के कांड हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कानून व्यवस्था पर भी कई सवालिय निशान लगाए हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।